पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, नेपाल देश की आर्मी जो है टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी। अब बात है नेपाल की, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है नेपाल की कैपिटल। नेपाल की करेंसी को क्या है? नेपालीज रुपया, नेपालीज रुपया यहाँ की करेंसी है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहाल यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, अभिनव बिंद्रा। सी ऑप्शन राइट होगा, ये है अभिनव बिंद्रा, जिन्हें शूटिंग के दिग्गज और व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट अभिनव बिंद्रा को मशाल वाहनों को एक के रूप में चुना गया है। उनका समावेश ओलंपिक की एकीकृत शक्ति और वैश्विक मंच पर खेल उत्कृष्टता के जश्न को दर्शाता है। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और IOC एथलीट आयोग के सदस्य अभिनव बिंद्रा प्रतिष्ठित प्रतियोग को ले जाने के लिए चुने गए 11,000 मशाल धारकों में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में UPI शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, फ्रांस। फ्रांस जो है UPI शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। 2 फरवरी को भारतीय दूतावास ने फ्रांस में पेरिस के एफिल टावर पर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है। अब UPI के जरिए एफिल टावर के टिकट बुक कर सकेंगे। अब ये हुआ है फ्रांस में, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है फ्रांस की कैपिटल। करेंसी क्या है? करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? गैब्रियल एटल यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। बात है फ्रांस की, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा? फ्रांस में तमिल कवि तिरुलुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस में स्कूलों में महिलाओं के अयावा पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रांड क्रसीफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, पंजाब। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित जी ने अपने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा है। अब बात है पंजाब की, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है पंजाब की कैपिटल। चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान। और गवर्नर यही है बनवारी लाल पुरोहित, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाँचवा क्वेश्चन है, हाल ही में नवारी स्कॉट मोमड़े का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, कवि थे। ये हैं कवि जो कि नवारी स्कॉट मोमड़े हैं, जो जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने सीमा पार न्याय चुनौतियों पर CLEA सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है ना, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षक संघ, राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का विषय जो है न्याय दिलाने में सीमा पर चुनौतियां हैं। इस सम्मेलन का विषय जो है इम्पोर्टेंट है, न्याय दिलाने में सीमा पार चुनौतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राजनेता को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, लाल कृष्ण आडवाणी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
शनिवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे राम लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर कृष्ण लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई दी। ठीक है ना, लाल कृष्ण आडवाणी 50वें शख्स हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। आडवाणी से पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कपूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत देने का ऐलान किया जा चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न पाने वाले बीजेपी के पहले नेता थे। केंद्र सरकार ने एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित कर सकती है। 2015 में आडवाणी को देश के दूसरे सबसे नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट होगा वाराणसी में रोहनिया क्षेत्र के सहपुर स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में आयोजित 3 दिवसीय क्षेत्रीय कृषि मेला सोमवार को संकुल संपन्न हुआ। इसमें 7 राज्यों के 9,000 किसान ने प्रतिभाग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट होगा कर्नाटक, ऑप्शन सी राइट होगा कर्नाटक। ठीक है ना, तो कर्नाटक सरकार ने गेमिंग और सोशल मीडिया पर विशेष जोर देने के साथ बेंगलोर GAFX ने ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के सहयोग से एक डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य डिजिटल दुनिया में बहुत अधिक समय बीतने की बुराइयों के बारे में जागरूकता फैलाना और इसके बजाय जिम्मेदार गेमिंग का माहौल बनाना है। अब बात है कर्नाटक की, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु है यहाँ की कैपिटल। चीफ मिनिस्टर कौन है, सिद्धरमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर कौन है, धावर चंद्र गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में RBI की घोषणा के अनुसार कितने प्रतिशत 2000 के नोट सफलतापूर्वक प्रचलन वापस आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, राइट होगा 97.50%। ठीक है ना, अब 97.50% वापस आ गए हैं। तो बात है आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर, मुंबई महाराष्ट्र में है इसका हेडक्वार्टर। इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के कौन शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट होगा महाराष्ट्र राज्य जो है संपन्न खेलो 2022 यूथ गेम 2023 में शीर्ष पर रहा है। अब बात है महाराष्ट्र की, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या होगी, मुंबई होगी महाराष्ट्र की कैपिटल। CM कौन है, एकनाथ शिंदे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्हें मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है, रमेश वैस यहाँ के गवर्नर हैं। अब बात है महाराष्ट्र की, तो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधियों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, राइट होगा पवन कुमार जो हैं वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार बने हैं, ये हैं पवन कुमार। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। UPSC के सदस्य के रूप में सील वर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंधक निर्देशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ए बी ऑप्शन राइट होगा, रंजना प्रकाश देसाई। ये हैं रंजना प्रकाश देसाई जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बोट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, रणवीर सिंह जो हैं वो हैं बोट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है ना। अब बिस्लेरी टेक्नो और होंडाई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया है। स्पर्श सीसीटीवी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सोनू सूद को बनाया है। SES ITIS न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हीसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर को बनाया गया है, ठीक है ना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में थनथाई पेनियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी बिहार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें व अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। हमारे इंस्टाग्राम पेज क्रिटिकल स्टडी 31 को आप फॉलो कर सकते हैं तथा डेली करंट अफेयर्स वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल क्रिटिकल स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।